दोस्तों वीवो Y30 को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि कंपनी जल्द ही इस फोन को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। वहीं कंपनी ने बिना किसी इवेंट के वीवो Y30 को आखिरकार इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए सेल के लिए अवेलेबल किया जाएगा। साथ ही इसकी सेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे प्राइस और ऑफर के साथ लिस्ट हो गया है। ये भी बता दें कि इंडिया से पहले वीवो Y30 को मलेशिया में लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों वीवो Y30 की प्राइस और अवेलेबल की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में ब्लू और ब्लैक दो कलर ऑप्शन में अवेलेबल किया गया है और इसकी प्राइस 15,000 रुपये देखने को मिल जाती है। और इस फोन को एक ही स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया गया है और यहाँ पे 4GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके साथ फोन पे मिलने वाली ऑफर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड से स्मार्टफोन खरीदने पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। वहीं पहली UPI ट्रांजैक्शन पे 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा इस फोन में नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों भले ही वीवो Y30 को कंपनी की वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया है लेकिन वीवो ने फोन के लॉन्च को लेकर कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं की है। हालांकि ये देखते हुए कि इंडिया में फिलहाल चीनी ब्रांड को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं वीवो Y30 की फीचर्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पे आधारित फ्रंट टच OS पे चलता है और इसमें 6.47 इंच की HD+ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो की 90:5:9 की एस्पेक्ट रेशियो से लेस है। इसके अलावा फोन में ओक्टा कोर मीडिया टेक हेलियो P35 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है जो की 4GB रैम के साथ 128GB के स्टोरेज ऑप्शन में देखने को मिल जाता है और साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से इसे 256GB तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं कैमरे फीचर्स की बात करें जो कि वीवो Y30 के बैक में 4 कैमरे सेटअप देखने को मिल जाएंगे और यहां पे 13MP का मेन कैमरा, इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, इसके साथ ही 2 कैमरे जो कि 2MP के देखने को मिल जाएंगे। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे 8MP का सेल्फी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि AI फीचर्स से लेस है। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे 4G LTE Wi-Fi, ब्लूटूथ, GPS, USB, हेडफोन जैक और पिछले हिस्से पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं पावर बैकअप की बात करें तो यहाँ पे 5000mAh की बैटरी और साथ में 10 वाट की चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस फोन की सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।